पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम खेल इंतहाओं को पहुंच रहा है और इमरान खान को गिरफ्तार करने का बाकायदा तौर पर फैसला हुआ और आज पूरा दिन मीडिया जो है वो एक ही खबर ब्रेक करता रहा, एक ही खबरों पर बात होती रही कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन फिर पुलिस की जानिब से फिर ये बयान आना सामने जो है वो शुरू हो गए कि जनाब हम तो इमरान खान साहब को नोटिस देना आए थे और गिरफ्तारी करना जो है वो हमारा मकसद नहीं था। लेकिन अब ये जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और यूँ लग रहा है कि हुकूमत बौखला चुकी है और जनाब आग से खेलने की कोशिशें हो रही हैं, इस मुल्क को जनाब आग में धकेलने की कोशिशें हो रही हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तान अबाउट टू डिफॉल्ट है, मूडीज की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत और हैंडलर्स का सबसे बड़ा हदफ जो है वो इमरान खान साहब बने हुए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि जनाब इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, मिस एडवेंचर किया जाए। तो इस सब में कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। न सिर्फ मुकम्मल हुई हैं बल्कि जनाब फांसी देने के लिए इस बड़े ऑपरेशन के लिए जो है वो एक इमरान खान के खिलाफ पूरी साजिश हो रही है और फिर जनाब गद्दार वतन करार देने के लिए भी एक पूरी कैंपेन लॉन्च हो चुकी है। इस हवाले से पैमरा ने भी इमरान खान पर पाबंदी आयद कर दी है एक बार फिर से और जनाब पैमरा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई खतरनाक है। अब इस सब में अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है इमरान खान के खिलाफ, कौन से नए प्लान जो हैं वो तश्कील दिए गए हैं, जिसमें प्लान डी की जो बातें हो रही हैं उस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान ने ताकतवर शख्सियत को हंगामी तौर पर एक खत लिख डाला है जिसके बाद जो है वो सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। अब किस ताकतवर शख्सियत को ये खत लिखा गया है, उस खत में इमरान खान साहब क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या कुछ इस खत में लिखा गया है, इस हवाले से वो तमाम खत जो है वो पूरा उसका मंदरजात आपके सामने रखूंगा। और जनाब जब ये शिद्दत जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है तो इमरान खान साहब ने भी सड़कों पर यह लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। अब जब इनफ इज इनफ, सब्र का पैमाना जो है वो ब्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आ चुका है और साथ ही एक बहुत अहम शख्सियत ने जब हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद ये हुकूमत एक दिन भी टिक नहीं पाएगी और अब ये खेल जो है वो इंतहाओं को पहुंच रहा है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो आज कोशिश की गई और ये पूरा प्लान तैयार कर लिया गया, IG इस्लामाबाद ने आज ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की है और जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आज रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी है और ये कोशिश की जाएगी और ये गिरफ्तारी से जो है जमानत से कबल इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना मकसूद है, क्योंकि जब बदला लेना है मरियम नवाज जो हैं उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। वो बवांगे दोहल ये अपने जलसों में ललकार चुकी हैं कि जब तक इमरान खान को माइनस ना किया जाए, जब तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना कर लिया जाए तो जनाब वो इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। और यही बात आपने देखा कि चीफ जस्टिस उनके साथ भी मुलाकातों की खबरें जो हैं मरियम नवाज के सामने आई और उनसे भी एक ही मुतालबा किया जा रहा था कि जनाब आप इंतखाबात को मुलतवी करवा दें, किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात को डिले कर दिया जाए। लेकिन आइन और कानून की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट गई, चीफ जस्टिस ने हक और सच का साथ दिया बल्कि आइन और कानून की बात की। आइन और कानून ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें जो है मार्शल लॉ के दौर में होती रही थी। तो इस सारे सूरत हाल में जब ये कानूनी और आइनी माहरीन ये बताना शुरू हो गए कि जनाब आपके हाथ में गेम नहीं रही, तो अब इन्होंने मिस एडवेंचर ये करना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके कुछ ऐसा बड़ा हंगामी तौर पर कुछ मिस एडवेंचर किया जाए, कुछ ऐसा ब्लो मारा जाए कि जिसके बाद मुल्क की हालात ख़राब हो जाएँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस वक्त इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके जनाब कुछ ऐसा मिस एडवेंचर होगा कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे, यानी ये खाना जंगी और ये सारी सूरत हाल और फिर इमरजेंसी खबरें जो हैं वो नून लीग के सोशल मीडिया के सेल से जो है वो चलाई जा रही हैं। तो इसके बाद ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल बुकला चुकी है और ना सिर्फ बुकला ही है बल्कि ये जनाब इस सारे गंदे खेल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जनाब कूदने से इनकार कर दिया। इत्तेदाद हसन साहब ये बात करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का जो प्लान है वो बेसिकली प्लान ये है कि हमने इंतखाबात को मुलतवी करवाना है, हमने किसी न किसी तरीके से इंतखाबात से भागना है। इमरान खान साहब दो तहसील से आते हुए वापस आ रहे हैं, वो जनाब इस मुल्क के एक मकबूल तरीन लीडर हैं, उनकी पार्टी जो है मकबूल तरीन जमात है, आप उसको नहीं रोक सकते, आप उसको गिरफ्तार कर लें, आप उसको नायल कर लें, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो सब मकबूल तरीन लीडर हैं। अगर आप उनसे कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो इससे आप जो है वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की बातें कर रहे हैं। तो सारी सूरत हाल में जनाब
दो दिन पहले जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बड़ी मुलाकातें भी हुई, जिसमें मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो सर जोड़ कर बैठे रहे, और फिर दो ताकतवर शख्सियात जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंची, उनके साथ कुछ बड़ी मुलाकातें हुई और वहाँ पर लिख कर दिया गया, वहाँ पर जहाँ वादे किए गए कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब, जब ये वफाकी पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस आज जमान पार्क पर पहुंची, तो इस्लामाबाद पुलिस का गलत बयानी से काम लेने पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान रहाइश गाह पर मौजूद नहीं है, कानूनी कार्रवाई की राह में गलत बयानी से काम लेने पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी पुलिस जो है आज ट्विटर अकाउंट पर एक सियासी जमात का रोल जो है वो अदा कर रही थी, और उस पर बताया गया कि जनाब हम इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं, आज ही गिरफ्तार करेंगे, और इमरान खान के कमरे में हम गए, वहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तारी से डर गए। एक इदारा जो कि स्टेट की इंस्टीट्यूशन है, जो स्टेट के लिए काम करता है, लेकिन जब वो सियासी तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, जब वो ब्लैकमेल हो रहा है सियासी तौर पर, तो सवाल से होता है कि पाकिस्तान जो है वो जनाब इसमें जमहूरियत नहीं है बल्कि कोई मार्शला से बदतरीन जो है वो दौर इसका आगाज़ हो चुका है। तो जनाब अब हुआ ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो जनाब उन्होंने वजारत छोड़ने का इंदिया दे दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिलावल भुट्टो ने वजारत खजाना छोड़ने उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको छोड़ने का इंदिया दिया है। वफाकी हुकूमत ने वादे पूरे ना किए तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी और हम अपनी वजारतें बरकरार नहीं रख सकते, ये उन्होंने तकरीब से खताब किया। बड़ा इस वक्त हालात जो हैं वो कशीदा होते चले जा रहे हैं। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सारे गंदे खेल में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पहले धो धो कर इनको जनाब हुकूमत में रगड़ा, और फिर जब रगड़ दिया, इनकी पॉपुलरिटी जीरो कर दी, तो अब जनाब ये पीछे हट गए। तो सारी सूरत हाल में जनाब बिलावल भुट्टो ने आज कराची में एक तकरीब से खताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे कि सलाह मुतासिरीन से किए गए वादे पूरे किए जाएं, उम्मीद करता हूं कि शिकायत को दूर किया जाएगा, वफाक को सलाह मुतासिरीन से किए हुए वादे पूरे करना होंगे, सलाब से हमारी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा है, सिंध हुकूमत सलाह मुतासिरीन की मदद कर रही है, वफाकी हुकूमत ने वादे ना पूरे किए तो हम जनाब अपनी ओहदों से मुस्ताफी हो जाएंगे। तो जनाब अब हुआ यह है कि अहमद मीर साहब जो हैं वो उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो कभी मरियम नवाज़, तो कभी आसिफ ज़रदारी, तो कभी मौलाना फजल रहमान के इंटरव्यू गैर इलामिया तौर पर सेंसरशिप की नज़र हो जाते थे। अब शहबाज शरीफ खुद वज़ीर-ए-आज़म हैं और इमरान खान के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लग गई है, खुद ही सोचिए कि दोनों हुकूमतों में क्या फ़र्क है। तो जनाब अहमद मीर साहब जो है वो चूंकि उन्होंने ट्वीट किया, कि चलकर बताता हूँ कि अब इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन जनाब अब जो ये मामला है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, और हुकूमत जो है वो चंद दिनों की मेहमान रह चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ जो है वो खड़े कर लिए हैं। अब हुआ ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो आज रात हो सकती है, यानी कि रात गए से लेकर सुबह का जो वक्त है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से जनाब मुजामत की गई, जिस तरह से रेजिस्टेंस की गई, जो कारकुनान है, जो पब्लिक प्रेशर है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही बात है, अगर आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो अपने हाथों से कुल्हाड़ी चलाएंगे, मुल्क को आग से जो है वो धकेल रहे हैं। तो इमरान खान की गिरफ्तारी का खर्चा है तो कारकुनों को रात 10 बजे तक जमान पार्क के बाहर रहने की हिदायत कर दी गई है। इंपॉर्टेंट हुकूमत चारों तरफ से पुलिस लेकर आ गई है, अंदेशा है कि गिरफ्तारी करेंगे, इसलिए आपने रात 10 बजे तक जागते रहना है, और फिर लाहौर के दोस्त भी आ जाएंगे। इमरान खान की तकरीर के बाद ऐलान जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये जनाब आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जमान पार्क घेरे में ले लिया गया है। तो कमांडोज ऑपरेशन की बातें हो रही थी, तो इमरान खान को आज रात किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अब जनाब ये जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई चली जा रही है, तो इमरान खान साहब ने भरपूर तरह से रेजिस्टेंस करने का जो है वो फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत का इमरान खान की क्यादत में लाहौर में रैली निकालने का ऐलान। अब इमरान खान साहब सड़कों पर आ रहे हैं, अब वो जनाब लड़ने भी जा रहे हैं। इमरान खान बुध को लाहौर में सियासी रैली की क्यादत करेंगे। ये इंतखाबी मुहिम आम मुहिम नहीं, बल्कि इससे पाकिस्तान की आज़ादी का फैसला होने जा रहा है। जनाब हमाद अदा साहब जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो बुध को जनाब वो सड़कों पर आ रहे हैं। उन्होंने लाहौर को कॉल दे दिया, पूरा लाहौर जो है उसको जैम किया जाएगा और अपनी ताकत का दोबारा से खान साहब जो है वो मुजाहरा करने जा रहे हैं। अब जनाब हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने एक ताकतवर शख्सियत को खत लिख दिया है, चूँकि उनकी जान को खतरा है, बार बार बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रिस्क है। इमरान खान साहब को जिस तरह से इस्लामाबाद कचहरी में बुलाया जाता है, लाहौर से इस्लामाबाद आए, रात 12 बजे उन्होंने प्लान तब्दील किया, वाया एयरप्लेन आना था लेकिन वो प्लान कैंसिल हो चुका, क्योंकि मुराद सईद साहब ने खबर दी कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को मारकर गिराने की जो है वो तैयारियां की गई थी, और सिक्योरिटी रिस्क है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद कचहरी में लाया जाए और फिर वहाँ से कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर दिया जाए। और फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि स्नाइपर गन्स का इस्तेमाल हो सकता है।
इस कदर खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लाइव थ्रेट्स हैं, लेकिन कोई भी जूं तक उनके रिंग नहीं रही। इदारे हों, एजेंसीज हों, FIA कोई भी इदारा जो है इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के लिए कोई ऐसा आप VVIP प्रोटोकॉल नहीं देखेंगे, लेकिन मरियम नवाज कहती है कि मेरी हुकूमत नहीं है। जब वो इस्लामाबाद आती हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल होते हैं, उनके लिए पुलिस के इदारे एक्टिव हो जाते हैं, एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं उनके लिए कोई ऐसा मामला देखने को नहीं मिल रहा। तो सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को एक बहुत इंपॉर्टेंट खत लिख दिया है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों में इमरान खान के बजरिया वीडियो लिंक हिस्सा बनने के मामले पर तहरीक इंसाफ ने आला अदालत से रजू कर लिया है। इस हवाले से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने और असद उमर ने चीफ जस्टिस को मुश्तरका तौर पर खत लिख दिया है। खत का जो मतन है उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। इमरान खान पर वज़ीर-ए-आबाद में कातिलाना हमला किया गया जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए। इत्तलात हैं अदालतों में पेशी पर इमरान खान पर दोबारा कातिलाना हमला किया जा सकता है। इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं और उनको मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी हालिया पेशी पर इमरान खान के लिए मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम न थे। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनाने का मकसद उन पर दोबारा हमले का माहौल बनाना है। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को खत लिख दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि खदशा है कि मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम ना हुए तो इमरान खान पर दोबारा हमला हो सकता है। बेनजीर मॉडल की बातें हो रही हैं कि इमरान खान को दूसरे हमले में जान से मार दिया जाएगा, इसलिए इमरान खान को मुख्तलिफ अदालतों में बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दी जाए। तो जनाब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल सुबह तक कुछ बड़ा हुकूमत जो है वो जनाब कुछ बड़ा कर सकती है। तो इमरान खान पर वहीं पर ही आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां हो चुकी हैं। हामिद मीर साहब की खबर पहले भी दे चुके हैं कि ये पूरा प्लान तैयार है, पूरा ग्राउंड सेट हो चुका है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाना है, सदर पाकिस्तान पर आर्टिकल 6 लगाना है। और उस वक्त के जब हुकूमत थी जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन पर आर्टिकल 6 लगाकर कोई ऐसा मामला करने कि इमरान खान को गदारे वतन करार दे रहे। पहले भी पैमदार का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई और इमरान खान को गद्दारे वतन कहा गया। इमरान खान साहब ने बात की कि अगर मेरा मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरी फौज को होगा, अगर फौज कमज़ोर होती है तो पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। खान साहब कहते हैं कि फौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है, तो हमने यहाँ पर रहना है। तो सारे सूरत हाल में उस इंटरव्यू के बाद खान साहब की तकरीर को जो है वो मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई, लाइव चलाने पर पाबंदी आयद की, फिर इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस कदर इमरान खान को अलार्मिंग और ख़तरनाक करके दिखाया गया। तो जनाब अब एक और मिस एडवेंचर हो चुका है कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम पर निकलने जा रहे हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी से इनको खौफ आ चुका है, तो हुकूमत जो है वो इमरान खान की मकबूलियत से बौखला चुकी है। पेमरा ने चेयरमैन PTA की बयान तो तकारीर नशर करने पर पाबंदी कर दी है और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इमरान खान अपनी तकारीर पर और बयानात में रियासती इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इश्तियाल अंगेज़ बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं और ये जो है वो अमन का ख़तरा है। पाकिस्तान में जो अमन है वो बर्बाद हो रहा है खान साहब की वजह से, इस कदर मजका खेज जो है वो बातें की जा रही हैं। और इसका बेसिकली मकसद ये है कि इमरान खान साहब और अदारों को आपस में लड़ाया जाए और डील की जाए। ख्वाजा आसिफ साहब बातें कर रहे हैं कि सारे बूट पॉलिश करने के लिए आगे आ गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो अपने अरूज पर है। तो मुनीफ फारूक जो है वो बात कर रहे हैं जियो न्यूज़ पर बैठ कर कि इमरान खान की कबूलियत नहीं है, लेकिन उन पर कांटा लगा दिया गया, लेकिन उनकी मकबूलियत जो है वो इतनी खतरनाक हो चुकी है, आप जितनी मर्जी धांधली कर लें, रंधा फेर दें, आप इमरान खान को नहीं सकते। कौम ने उसको अपनी रेडलाइन बना ली है। तो ये अब तक की तफसीलात हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस मुलाजिम खेल रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।